गुड मॉर्निंग क्लास। उस दिन हम लोगों ने क्लॉक के बारे में क्या कहते हैं पहला टॉपिक सीखा था, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बारे में हमने जो संबंध था, जो रिलेशन था, सब कुछ सीखा था। आज उसके हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं उसके न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन, सबसे ज़रूरी है लाइफ में क्या है, मोटिवेशन। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक आपको कोई चीज़ हासिल करने में दिक्कत होगी। पापा कहते थे कि बेटा ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ज़िंदगी में दो बातें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। तो आइए इसी के मोटिवेशन के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए। जो भी उस दिन मैंने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, एक घड़ी 2 घंटा 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितने अंश चलेगी। मिनट की सुई किसके बारे में चर्चा हो रही है, मिनट की सुई के बारे में। मैंने उस दिन आपको घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों के बारे में आपको बताया था स्पीड में। तो जैसे ही मिनट की सुई की बात करेंगे तो आपके दिमाग में इमेज बनेगी, तो मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा क्या होती है, तेज होती है। और कितना तेज होती है, 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो मिनट की सुई जैसे ही आया, यहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जो यहां लिखा है, मिनट की सुई कितने अंश चलेगी। तो आप बताइए, मिनट की सुई ऐसे रहती, अगर चलते 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 पुनः 12 पे अगर ये आती है, पुनः 12 पे आती है तो कितने मिनट चल जाती है, ये 60 मिनट चल जाती है, 60 मिनट चल जाती है। और 60 मिनट में जैसे ही ये पूरा 60 मिनट चलती है तो ये एक क्या सर्किल का निर्माण करती है, और एक सर्किल का मान कितना होता है, 360 अंश होता है, ये हमको पता है। तो 60 मिनट बराबर कितने डिग्री के, 360 के। तो एक मिनट बराबर आपको पता है कितने के हो जाएगा, 360 बटे 60 कितना, 6 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। एक मिनट बराबर कितने के, 6 अंश के हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है इतना तो हमने उस दिन क्या है पढ़ा ही था। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो सही से देखा होगा तो ये तो अपने मन में ही आप कर लेंगे, ये तो मैंने क्या फालतू में लिखा हुआ है एक तरह समझाने के लिए। तो क्या है, आपको एक मिनट बराबर कितने के, 6 डिग्री के। तो 2 घंटा 20 मिनट आपको करना है। तो 2 घंटे का मतलब सबको पता है, 2 घंटे बोलें या 120 मिनट मैं बोलूं, 120 मिनट प्लस 20 मिनट कितना हो जाएगा, 140 मिनट हो जाएगा कि नहीं, 140 मिनट हो गया। अब बताइए, एक मिनट में कितना, 6 डिग्री, इसलिए 140 मिनट में कितना, एकिक नियम लगा दीजिए। तो एक मिनट में आपको पता है कितने के, 6 डिग्री के, इसलिए 140 के कितना हो जाएगा, तो 140 × 6 कर लेंगे तो 14 × 6 = 84, 840 डिग्री आपका सीधे सीधे ऑप्शन में है कि नहीं, आप चेक करिए क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा। पहला सवाल सबको समझ में आया, एक मिनट बराबर 6 के, इसलिए क्या है 140 मिनट बराबर, क्योंकि 2 घंटा 20 मिनट को हम क्या पढ़ते हैं, 2 घंटे बराबर 120 मिनट के प्लस 20 मिनट और जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक घंटा 60 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितने अंश चलेगी। फिर हमें वही क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जरा लगाइए, क्या है मिनट की सुई की बात हो रही है, मिनट की सुई, फिर दिमाग में मेरे वही इमेज आएगी, मगर मैं अब लिखूंगा नहीं, अपने दिमाग की सुनिए कि 60 मिनट बराबर कितने के, 360 डिग्री के, 60 मिनट बराबर कितने के, 360 डिग्री के। तो एक मिनट बराबर कितने के, तो 60 मिनट बराबर कितने के, 360 डिग्री के। तो ये आपको मन में ही कैलकुलेशन करना है, एक मिनट बराबर कितने के, 6 डिग्री के। तो इस बार कितना, 1 घंटा 60 मिनट, यानी कि 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120 मिनट। तो 120 मिनट अब निकाल सकते हैं कि नहीं आप, जब एक मिनट बराबर 6 डिग्री के, तो 120 मिनट, तो 120 × 6 अगर आप करेंगे तो कितना इसका जवाब आ जाएगा, 12 × 6 = 72, 720 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए। और इसका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेम वही सवाल था, कोई अंतर नहीं था, एकदम वैसा ही सवाल था जैसा एक होता है, क्योंकि क्या है मिनट की सुई के बारे में, अगर यहां पर घंटे की सुई होगा तो फिर क्या है चीजें बदल जाएंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक घड़ी में 1 घंटा 30 मिनट की अवधि में घंटे की सुई कितने अंश चलेगी। अब जरा देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है, अब वही क्वेश्चन मत करिएगा,
यहां पर देखिएगा सबसे जो समझने वाली बात है, घंटे की सुई कितने अंश चलेगी। अब घंटे की सुई के बारे में क्या बताया था, आप बताइए, आपके घर में एक घड़ी है, वह घंटे की सुई अगर 12 पे है, 12 से 1 तक जाती है तो वह कितने घंटे चलेगी, 1 घंटे। वह 12 से चलते चलते पुनः 12 पे जाएगी तो कितने घंटे चलेगी, 12 घंटे चलेगी। और 12 घंटे का मान कितने अंश होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, 12 घंटे बराबर कितने के, 360 डिग्री के होता है कि नहीं। तो 12 घंटे बराबर 360 डिग्री के, तो 1 घंटे बराबर कितने के हो जाएगा, 30 डिग्री के। 1 घंटे बराबर कितने के, 30 डिग्री के। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, तो हमें इधर उधर भटकना ही नहीं, सिर्फ घंटे की सुई के बारे में। मैंने सोच लिया मेरी घड़ी में घंटे की सुई के अलावा कोई और सुई ही नहीं होगी, क्योंकि जब बात घंटे की सुई की कर रहे हैं तो हम क्यों सेकेंड की सुई और मिनट की सुई के बारे में सोचेंगे। तो कितना पूछा है, 1 घंटा 30 मिनट की अवधि में, तो 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, तो आधे घंटे में आपको पता है कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो 1 घंटा प्लस कितना, 30 मिनट, 30 मिनट को आपको पता है क्या है, आधा घंटा पढ़ते हैं कि नहीं, तो 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, तो आधे घंटे में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री, 30 और 15 कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, सिंपल है। तो इसके सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, मिनट की सुई की चाल निकाली, उसके बाद क्या है, घंटे की सुई की चाल निकाली। और क्यों मैंने बताया था ये टॉपिक, जब हमें समय देखना आता है उसके बावजूद भी इस टॉपिक की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें घंटे मिनट की सुई की चाल जो सेकंड में रहती है, अलग अलग मापकों में रहती हैं, हमें वही चाल हमें डिग्री में अगर निकालना आ जाए तो हमें क्लॉक के चैप्टर की जरूरत पड़ती है, यही इसका मतलब है। 12 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो सब लोग पढ़ते हैं, मगर सबसे मेन डिग्री में अगर हमें निकालना आ जाए तो वही हमें क्लॉक के। ये वाला सवाल आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अगला सवाल बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, घड़ी की घंटे व मिनट की सुई के बीच चालों का अनुपात बताए क्या होगा, ये तो मैंने उसी टर्न पर डिस्कस कर लिया था, चालों का अनुपात आपको पता है कौन तेज होगा, इसमें क्या है, मिनट की सुई की चाल और क्या है, घंटे की सुई की चाल, ये तो उस दिन ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। चालों का अनुपात, जाहिर सी बात है कि मिनट की सुई ज्यादा शक्तिशाली होती है, शक्तिशाली का तात्पर्य यह है इसमें कि कौन फास्ट चलेगा, जिसके अंदर पावर ज्यादा होगी वही तो तेज चलेगा। तो ये कितने गुना शक्तिशाली होती है, क्योंकि उस दिन मैंने आपको, आपने पुरानी वीडियो आपने देखी होगी, तो किसका पूछा है, घड़ी की घंटे व मिनट की सुई, तो रेशियो को चेंज कर दीजिए, इधर क्या लिख दीजिए, घंटे की सुई, और इधर क्या लिख दीजिए बेटा, मिनट की सुई कर दीजिए। ठीक है, तो घंटे की सुई क्या है, अगर आपसे कहा जाए 1 घंटे में घंटे की सुई कितना चलेगी, 1 घंटे में कितना चलेगी, जैसे यहां पर 1 घंटे से यहीं तक तो जा पाएगी, और वही मिनट की सुई है, ये क्या है, पूरा का पूरा मूव कर जाएगी नहीं, अगर सुई यहां पर है, यहां से लेकर पूरा यहां तक चलेगी कि नहीं, तो इसको इतना कितना कहते हैं, इसको 30 डिग्री कहते हैं, इसको कितना कहते हैं, 30 डिग्री, और ये सुई मिनट की चलते चलते 1 घंटे में वहीं पर आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ये मैंने उस दिन आपको बताया भी था। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:12, और मैंने कहा था ये आपको क्या है, याद भी रखना है, ये इससे आपके बहुत सारे सवाल और बन जाएंगे कि क्या है, घंटे व मिनट की सुई की चालों का अनुपात कितना होता है, 1:12, यानी कि मिनट की सुई कितनी शक्तिशाली होती है, 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, किसके, घंटे की सुई की अपेक्षा। तो सीधे सीधे ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, 1:12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब घंटे की सुई, देखिए अगला सवाल उसी पर आधारित है, क्या जब घंटे की सुई 18 अंश घूमती है तब समान समय में मिनट की सुई कितने अंश घूमेगी। जाहिर सी बात है, जब घंटे की सुई 18 अंश घूमती है तो समान समय में मिनट की सुई कितने अंश घूमेगी। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच चालों का अनुपात आप पहले सबसे पहले ले लीजिए, घंटे की सुई और क्या मिनट की सुई के चालों का अनुपात कितना है, 1:12। और किसकी स्पीड इन्होंने दी है, जब घंटे की सुई 18 अंश घूमती है, किसकी, घंटे की सुई 18 अंश घूमती है, तो 1 बराबर कितने के है, 18 के है, 1 बराबर जब 18 के, तो 12 बराबर कितने के हो जाए, तो 12 × 18 आप कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो ये किसके बराबर होगा, 18 तो लिखे था 36, 18 × 18 216 डिग्री है, ऑप्शन के ऑप्शन में 200 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर कितने के, 18 के, इसलिए 12 बराबर, क्योंकि इसमें दिया है ना, घंटे की सुई जब 18 अंश घूमती है तो समान समय में उतने ही देर में मिनट की सुई कितनी तेज भाग जाएगी, वो कितना हो जाएगा, 216 डिग्री की ओर चली जाएगी कि नहीं जाएगी। आगे देखते हैं,
16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलेगी? जाहिर सी बात है, मिनट की सुई अधिक चलेगी, घंटे की सुई तो कभी ज़्यादा चल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मिनट की सुई की रफ्तार तेज होती है। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलेगी, यानी कि दोनों सुइयों की क्या तुलना कर दी गई है। और तुलना के बारे में आपको एक चीज़ बहुत अच्छी से पता है कि मान लीजिए मेरी जेब में 100 रुपये, आपकी जेब में 90 रुपये, तो बताइए मेरे पास आपसे कितने अधिक रुपए हैं। तो आप कहेंगे 10 रुपये सर आपके पास ज़्यादा हैं। क्यों ऐसा पता चला, क्यों आपने निकाल दिया कि 10 रुपये ज़्यादा हैं? क्योंकि दोनों का आंकड़ा पता था आपको, मेरा आंकड़ा कितना है 100, आपका आंकड़ा 90, तो क्या है अंतर कितना आ गया 100 और 90 का, 10 रुपये। यानी कि अगर दोनों आंकड़े आपको घंटे की सुई की चाल पता चल जाए, मिनट की सुई की चाल पता चल जाए, तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं कौन किससे ज्यादा और कौन किससे कम। तो आइए देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहे थे। 16 मिनट में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना अधिक चलेगी? 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलेगी? तो मेरे पास 100 रुपये, आपके पास 90 रुपये, तो अंतर कितने का आया, 10 रुपये का अंतर आया कि नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 16 मिनट में मिनट की सुई की चाल निकाल दीजिए, मिनट की सुई की चाल आप निकाल दीजिए। बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है चाल बराबर कितनी होगी। अब आपको क्या है, किसके बारे में मैं कह रहा हूँ, मिनट की सुई के बारे में। और मिनट की सुई 60 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, इसलिए 16 मिनट में कितना हो जाएगा, 96 डिग्री। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब आपको चीज़ें क्या, थोड़े थोड़े आप होशियार बनिए। कैसे, जैसे ही मिनट की सुई के बारे में विवेचना करेंगे तो 60 मिनट में कितना, 360 डिग्री। जब 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितने के, 6 डिग्री के। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री के, इसलिए 16 मिनट बराबर कितने के, 96 डिग्री के। अगला क्या कह रहा था, 16 मिनट में, ये तो मिनट की सुई की चाल निकल गई है, तो 16 मिनट में घंटे की सुई की चाल आप निकाल दीजिए। बहुत आसान है निकालना, 16 मिनट में घंटे की सुई की चाल आप निकाल दीजिए। अब आपको पता है कि 12 घंटे में कितने का कोण बनता है, 12 घंटे में कितना, 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। और 1 घंटे को आप क्या पढ़ते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट को क्या पढ़ते हैं आप, 60 मिनट में कितना, 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाता है, तो 1 मिनट में ये कितना बनाती है, आधा डिग्री बनाती है कि नहीं, किसकी, घंटे की सुई। फिर से चर्चा करिए, देखिए कोई मैं बहुत तेज़ी से नहीं, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, जरा फिर से सोचिएगा। अब किसके बारे में हम विवेचना कर रहे हैं, घंटे की सुई के बारे में सोचिए। जब क्या है, घंटे की सुई चलना शुरू करी, 12 से लेके पुनः 12 पे गई, तो कितने घंटे चल गई, 12 घंटे। अब 12 घंटे तो चली और उसने क्या है, वृत्त का निर्माण किया, और वृत्त कितने अंश का हुआ, 360 अंश का। तो 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, 1 घंटे को हम बोलते क्या है, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितने के, आधा डिग्री के है। और यहां मैंने पूछा, जब 1 मिनट बराबर आधा डिग्री के, तो 16 मिनट बराबर कितने के हो जाएगा, 8 डिग्री के हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों सुइयों की आपने चाल निकाल दी है, और कौन किससे कितना ज्यादा है आपका आंसर निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि 96 और 8 का डिफरेंस कितना होता है, 96 माइनस 8 का डिफरेंस कितना होता है, 88 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आपका आंसर। क्या आंसर होगा, 88 है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, फिर से समझिएगा, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलेगी, तो दोनों सुइयों की रफ्तार आप निकाल लेंगे। अगर रफ्तार निकाल देंगे तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, कौन कितना ज़्यादा है, जो ज़्यादा निकाल लेंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे, तो 96, 1 का आया 96, 1 का आया 8, और 96 और 8 का डिफरेंस कितना, 88, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी प्रातः आठ बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में अपराहन 2 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश चलेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक घड़ी प्रातः 8, अपराहन का मतलब क्या होता है, दोपहर के बाद का समय, यानी कि घड़ी की समय कितना है, सुबह का कितना बज रहा था, 8,
और दोपहर का 2 बजेगा तो 8 और 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 घंटे का अंतर आया है कि नहीं। ये तो सवाल सारे आप मन में भी कर सकते हैं, सही से अगर आप सोचें ये सवाल तो आप अपने मन में कर सकते हैं, 6 घंटे का डिफरेंस आया। और हमें चर्चा किसकी करनी है, तो घंटे की सुई, यानी कि आपको सवाल ये सोच के करना है कि घड़ी में मिनट की सुई है ही नहीं, क्योंकि मिनट की सुई से हमें क्या लेना देना। तो टोटल कितना घंटा, 6 घंटे का। और घंटे की सुई के बारे में मैं बता चुका हूँ, जब 12 घंटे चलती है तो जब 12 घंटे चलती तो कितना 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 घंटे में कितना 30 डिग्री का, तो 6 घंटे में कितने का आपको पता है, 12 घंटे में कितना 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, एक एक नियम से 6 घंटे में कितने हो जाएगा आप बताइए। जब सुबह के 2 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे से लेकर 2 बजे तक गई तो 6 घंटे में कितना 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। दूसरे तरीके से इसको एक और समझेंगे, एक क्या है एकदम बच्चों वाले तरीके से करते हैं, जरा देखिए इसका आंसर कितना 180 डिग्री आ गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जरा देखिएगा, ये मेरी घड़ी है। कुछ चीजें आपको कॉमन पता होनी चाहिए, जैसे मैं बता देता हूं, जैसे 12 का विपरीत कितना होता है 6, 9 का विपरीत कितना होता है 3, 1 का विपरीत कितना होता है 7, 2 का विपरीत कितना होता है 8, 10 का विपरीत 4, 11 का 5। ये विपरीत ही याद नहीं करना है, याद करने का मतलब क्या, इसका मतलब ये कितने अंश का कोण होता है 180 अंश का, यहां से यहां तक कितने का 180 अंश का। तो वही चीज है, अब जब सुबह का 8 बजेगा तो आपसे मैं पूछता हूं, सुबह का 8 बजेगा तो बताइए घंटे की सुई एकदम क्या होगी, 8 पे होगी, मैं घंटे की सुई की बात कर रहा हूं, 8 पे होगी कि नहीं। और जब दोपहर का 2 होगा तो आप बताइए घंटे की सुई कहां पर होगी, 2 पे होगी कि नहीं। अब बताइए ये एक सरल रेखा बनाएगी, और सरल रेखा का मान हम सबको पता है कितने अंश होता है, 180 अंश होता है कि नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, सोचिए एक सुई 12 पे एक सुई 6 पर है तो कितने अंश का कोण है आपका, 180 अंश का कोण है कि नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180 अंश। 8वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए जरा, एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 अंश घूमने के बाद घड़ी में क्या समय होगा। बहुत अच्छा सवाल है, एक घड़ी में 3 बजे का समय दर्शा रही है, ठीक है, और 135 अंश घूमने के बाद घड़ी में समय क्या होगा, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। घड़ी में समय कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। अब यहाँ पर उल्टा कह रहा है, घड़ी घंटे मिनट सेकंड में नहीं घूम रही है, घड़ी किस में घूम रही है, अंश में घूम रही है। तो घंटे और किसकी बात कर रहा है ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, ये नहीं कि यहाँ घंटे के बारे में दे रहा है तो आप मिनट के बारे में सोच रहे हैं। तो आपने रिवर्स में क्या पढ़ा था, एक घंटे में जैसे घंटे की सुई 12 घंटे में कितने 360, तो एक घंटे में कितना 30 डिग्री। तो इसको उल्टा पढ़िए, 30 डिग्री बराबर कितने घंटे के, एक घंटे के है कि नहीं, 30 डिग्री बराबर कितने के, एक घंटे के। तो यहां पर हमें ये 30 डिग्री को कितना ले आना, 135 अंश ले आना है, तो 30 डिग्री बराबर एक घंटे के, तो 60 डिग्री बराबर कितने के, 2 घंटे के हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर कितने के, 2 घंटे के, 90 डिग्री बराबर कितने के, 3 घंटे के, और क्या है, ऐसे ही हम आगे अगर सिलसिला बढ़ाते रहें तो 120 डिग्री बराबर कितने के, 4 घंटे के हो जाएगा कि नहीं। अब आपको पता है हमें ले आना कितना 135 अंश, तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, 30 डिग्री बराबर जब 1 घंटे के, 30 डिग्री बराबर 1 घंटे के, तो आधे घंटे में कितना हो जाएगा, आधे घंटे में 15 डिग्री हो जाएगा, तो यहां कितना जोड़ दीजिए, 15 डिग्री यहां पर जोड़ दीजिए और प्लस यहां पर कितना कर लीजिए, आधा घंटा लिख लीजिए, तो आधा घंटा का मतलब कितना हो जाएगा, 4.5, 4.5, और यहाँ पर कितना हो गया, 135 अंश हो गया है कि नहीं। तो यहाँ की वैल्यू 135 अंश बराबर कितने के, 4.5 घंटे के आ रहा है। तो 3 बजे में अगर आप 4.5 जोड़ेंगे, 3 घंटे में अगर आप 4.5 जोड़ेंगे, तो 4, 3, 7, 7 में आधा घंटा और जोड़ेंगे तो 7.5 आपका आंसर आएगा, और 7.5 को ही हम क्या पढ़ते हैं, 7:30 हमारा आंसर आएगा कि नहीं। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घड़ी की
घड़ी की घंटे की सुई 135 अंश घूमने के बाद घड़ी में क्या समय होगा। तो इसको रिवर्स में पढ़िए। अब तक आपने पढ़ा कि 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो एक घंटे बराबर कितना 30 डिग्री के, या फिर इसको उल्टा पढ़िए 30 डिग्री बराबर कितने के एक घंटे के, तो 60 डिग्री बराबर कितने के दो घंटे के, 90 डिग्री बराबर कितने के तीन घंटे के, तो 120 बराबर चार घंटे के, तो 30 डिग्री बराबर आधा घंटे के, तो 15 डिग्री बराबर कितने के हो जाएगा, आधा घंटा और हो जाएगा। तो ये इसको मिला गया 135, साढ़े चार, तीन में साढ़े चार अगर हम जोड़ेंगे, तीन में साढ़े चार हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7:30 आएगा कि नहीं, या 7:30 या 7:30, तो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है। आसान सा क्वेश्चन, बस क्या है, अब देखिए कमाल की बात है, एक ही फार्मूले से आप क्या है कई चीज़ें निकाल ले रहे हैं कि नहीं। अगला देखते हैं, पंद्रह सेकेंड में घंटे की सुई कितने अंश चलेगी। बहुत अच्छा सवाल है, फिर वही चीज़ है, ये तो वही पढ़ाया हुआ ही सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आपका पढ़ा हुआ चीज़ है। 15 सेकेंड में घंटे की सुई कितने अंश चलेगी, 15 सेकेंड में घंटे की सुई कितने अंश चलेगी, बहुत आराम से पढ़िए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं हम, घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, और 15 सेकंड में, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या रिवाइज करना है, तो 12 घंटे में घंटे की सुई कितने चलती है, 12 hours = 360 degrees, 1 hour = कितने के हो जाएगा 30 डिग्री के, तो 1 hour को आप 60 मिनट लिखते हैं कि नहीं 30 डिग्री के, तो 1 मिनट बराबर कितने के हो जाएगा 30/60, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और नीचे आप चलते जाएंगे आपको और वैल्यू निकलती जाएगी। तो एक मिनट को आप क्या पढ़ते हैं 60 सेकंड पढ़ते हैं कि नहीं, तो 60 सेकंड बराबर कितने के 1/2, तो इसलिए 1 सेकंड बराबर कितने के हो जाएगा 1/2, तो 60 कितना हो जाएगा 1/120 डिग्री। हो गया सवाल, 1 सेकंड में कितना 1/120 डिग्री था, तो 15 सेकंड में आप नहीं निकाल सकते हैं, जब 1 सेकंड की वैल्यू इतनी है, इसलिए एकिक नियम से 15 सेकंड बराबर कितने के हो जाएगा, तो 1/120 × 15, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कितना आएगा 1/8 डिग्री आएगा कि नहीं। अब देखिए जितने अभी तक मैंने सवाल किए हैं उसमें सबसे अच्छा सवाल यही था, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया घंटे की सुई और यहाँ क्या दिया सेकंड की सुई। आप अपना दिमाग लगा के सोचिए, घड़ी में घंटे की सुई से कम क्या होता है मिनट की सुई, उससे नीचे क्या होता है सेकंड की सुई, और सेकंड की नीचे कोई सुई होती है क्या, नहीं होती है ना, यानी कि ये सवाल का सबसे अच्छा सवाल था। इसके नीचे क्या पूछेगा, इस टाइप के सवालों में इससे टफ क्या पूछ सकता है, कुछ नहीं पूछ सकता है। फिर से सवाल देखिएगा, आपको पता है 15 सेकंड में घंटे की सुई कितने अंश चलेगी, तो ये तो आपको पता है कि 12 घंटे बराबर कितने के 360, एक कितना एक घंटे बराबर कितने के 30 डिग्री, तो 60 मिनट बराबर एक घंटे को ही हम क्या पढ़ते हैं 60 मिनट, एक मिनट बराबर जब आधा का, तो एक मिनट को ही हम लोग 60 सेकंड पढ़ते हैं कि नहीं, तो 60 सेकंड बराबर भी आधा का, तो 1 सेकंड बराबर कितना 1/2 × 60 कितना 120 का, तो इसीलिए 15 सेकंड बराबर कितने का, तो 15 × 120 कितना 1/8 डिग्री का होता है कि नहीं। तो यहाँ से हमने जो उस दिन जो पहली यूनिट पढ़ी थी वो हमारी कंप्लीट होती है। इसमें हमने क्या है सुई की घंटे मिनट जो भी सेकंड की सुई की जो रफ्तार होती है उसके सवाल हम निकालते हैं। मगर ये सवाल अगर आप आ जाएगा तो क्या है एग्ज़ाम में आप कर लेंगे। ये यूनिट वन हमारी यहाँ पर क्या समाप्त होती है। यूनिट टू क्या कहते हैं अभी हम स्टार्ट करते हैं इसी में। इसमें एक फार्मूला हम आपको एक बताते हैं, जैसे ये फार्मूला क्या काम करता है ज़रा देखिए। मान लीजिए कोई हमसे क्वेश्चन कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, तो मैंने कहा 7:40, किसी ने पूछा क्या हो रहा है, मैंने कहा 7:32, किसी ने पूछा क्या हो रहा है, हमने कहा 9:15, किसी ने पूछा क्या हो रहा है 8:40, कोई भी पूछा, मगर ये समय पूछने के बाद अगर कोई पूछता है कि भैया मेरी घड़ी में 8:40 हो रहा है, तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण की माप क्या होगी, तो कोण की माप निकालने के लिए एक फार्मूला इजाद किया जाता है जिसको हम लोग देखेंगे
एच माइनस 11/2 m, ये क्या होता है? जब कोई समय दिया हो, जब कोई समय दिया हो और कोण की माप ज्ञात करनी हो, जब कोई समय दिया हो और कोण की माप ज्ञात करनी हो, तो h बराबर, जहां h बराबर क्या होगा आपका, घंटे की सुई, जहां h बराबर घंटे की सुई और m बराबर क्या होगा, मिनट की, ठीक है, h बराबर आवर्स की सुई और m बराबर क्या होगा, मिनट की सुई। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछ दिया क्या समय हो रहा है, 8:40 मेरी घड़ी में हो रहा है, तो इसको अगर सही भाषा में हम लोग निरूपित करेंगे तो क्या होगा, 8:40 यानी कि 8:40 मेरी घड़ी में हो रहा है। तो h की जगह कितना रखेंगे आप, 8, और m की जगह कितना रखेंगे, 40, और आपका आंसर निकल आएगा उसी हिसाब से। और ये माइनस नहीं है, डिफरेंस है, इन दोनों का क्या है, अंतर है, क्या कहते हैं। तो इसके सवाल हम, अब हमारे क्या होता है, यूनिट 2 स्टार्ट होगी नेक्स्ट टर्न पर, इसके सवाल हम लोग नेक्स्ट टर्न पर और डिस्कस करेंगे। मगर क्या है, कोई भी समय, यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ आपको बता देता हूँ, कोई भी समय अगर होता है तो दो तरह के कोण बनेंगे, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण, दोनों ही कोण आपके इसी फार्मूले से लिखेंगे, जो क्या था, 30h-11/2m। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग और क्लॉक के सवाल लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।